है कि डिमोनेटाइजेशन देश का सबसे बड़ा घोटाला। ये ऐसा घोटाला गरीबों की जेब से पैसा वसूल के जमा करके अमीरों का लोन माफ करने का घोटाला मोदी जी के मित्रों। तो आप ये घर की जिस गलत फैमिली में मिलेगा दोस्तों, ये देशभक्ति के नाम पे लूट रहे, ये कोई भी काम करते देशभक्ति की आड़ ले लेते ताकि जनता चुप। ये मोदी के मित्रों को अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने का और गरीब जनता ये अपने 10 लाख करोड़ रूपये जमा करा चुकी है और इनको 8 लाख करोड़ रूपये कर्जा अपने दोस्तों का माफ कर दिया। बैंक कंगाल हो चुके थे, ये बहुत नायाब तरीका मोदी जी ने निकाला कि गरीबों का जनता का पैसा जमा करके अपने मित्रों का कर्जा माफ करे। तो आप हर किसी गलत फैमिली में मत रहना, ये देश को धोखा दे रहे देशभक्ति के नाम पे, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, इसका फैसला इतनी अर्जेंसी में लिया गया कि पूरी करेंसी चीज जो 86% करेंसी जो 500 और 1000 डिनोमिनेशन में है इसको चेंज करने में तकरीबन 8 महीने से 1 साल लग जाएगा। और इन लोगों ने ऐसा अचानक फैसला कर दिया कि पूरी जनता जो है देश की लाइन में लगी हुई है। हमारे देश के 70% जो मजदूर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले हैं उनके घर में 2 दिन या 3 दिन से ज्यादा का पैसा नहीं रहता है। कैश में इतना पैसा रहता है कि वो ये 3 दिन की बाजार ला सकते हैं। अब अगर उनकी नौकरियां चली गई, अभी अखबार में आया था 4 लाख नौकरी ऑर्गेनाइज सेक्टर की ऑलरेडी जा चुकी है। और अन जैसे हमारे पीछे दुकान है अंजुम कलेक्शन, इसमें 4 आदमी काम करते हैं, दे आर नॉट काउंटेड वन, है ना, ये गिने नहीं जाएंगे। ऐसे कितने इनका धंधा नहीं होगा या अच्छा आदमी को निकाल देंगे। अगर उनकी रोजमर्रा के घर की भी चलती है वो लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो आप में से नोट की कतार में लाइन देख रहे हो, ये तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, मगर कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। आज हमने सुना था देश में किसान खुदकुशी कर रहे हैं, हमने सुना था देश में किसान खुदकुशी कर रहे हैं। अब कोई ताज्जुब नहीं होगा कि हम थोड़े दिन में सुनेंगे कि छोटा मोटा मजदूर खुदकुशी कर लिया, उसकी नौकरी चली गई थी। हमने सुना कई लोग बेटी ने आत्महत्या कर ली, कई बाप ने आत्महत्या कर ली, क्यों? क्योंकि उनको पैसा निकालने नहीं मिला। अब हम आगे सुनेंगे कि किसके पास पैसा नहीं था इसके लिए कर रहे, क्यों? ये आदमी 8000 की नौकरी करता है, इसकी दुकान में धंधा नहीं होगा, अपने आदमी को काम से निकाल देगा। ये जो करेंसी की वजह से धंधा स्लो हुआ है कि नहीं हुआ, कितने % फर्क पड़ा है? अगर आपकी दुकान है तो आप कितने आदमी काम पे रखोगे? 2 आदमी रखोगे, 1 आदमी रखोगे, ये 4 आदमी जो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा उसमें कुछ बहुत ज्यादा मजबूर लोग होंगे, उसमें कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा मजबूर होंगे और वो लोग आत्महत्या की हद तक पहुंचेंगे। ये सब चीज का जिम्मेदार मोदी अंबानी और अडानी होंगे। मोदी अपने 2-4 मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए सारे देश की जनता को लूट रहा है। दूसरा है देश के लिए जनता के लिए आज हाय 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 मोदी सरकार हाय हाय डिमोनेटाइजेशन का फैसला वापस लो, डिमोनेटाइजेशन का फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो, डिमोनेटाइजेशन का फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो, जिंदाबाद। और जो पैसे के दलाल है बीजेपी के ज्यादातर वो लोग हैं 30-40% टके के ऊपर वो पैसा बदली करके बड़े बड़े पैसे वालों को दे रहे हैं। आपने देखा होगा किसी भी बड़े आदमी को बैंक की लाइन में देखा है क्या? नहीं देखा है। किसी भी बड़े आदमी को बैंक की लाइन में देखा है? नहीं देखा है। आम जनता खड़ी हुई है और मोदी जी इन सबका सारा पैसा जमा करके अपने दोस्तों को पैसा कर्जा माफ कर रहे हैं। ये 8 लाख करोड़ का आजादी के बाद का देश का सबसे बड़ा स्कैम है, 8 लाख करोड़ का स्कैम है। इसको हम डिमांड करते हैं, आम आदमी पार्टी डिमांड करती है मोदी सरकार अपने फैसले को वापस ले, मोदी सरकार अपने फैसले को वापस ले, सरकार अपने फैसले को वापस ले, भ्रष्टाचार का इतिहास केजरीवाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का इतिहास केजरीवाल केजरीवाल, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जनता खड़ी हुई है, सब गरीब जनता मस्त है, त्रस्त है, मस्त है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, भ्रष्टाचार का इतिहास।